अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमको जी। और पलाई के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाह रहा था कि पलाई आप अपने फार्म पे कब से स्टार्ट करते हो और लाइक कब आपके पास हम बकरे पलाई पे दे सकते हैं। पलाई का ऐसा है ना सिम भाई की जैसा मैं तकरीबन समझ ले जिल कायदा जी, यानी लोगों को समझने के लिए आसानी हो कि बकरा इससे एक महीना पहले और बकरा इसके एक महीने के अंदर जी। दो महीना हम लेते हैं बकरे, उसके बाद नहीं लेते हैं। हालांकि उसके बाद भी दो चार बकरे ताल्लुकात के हिसाब से जबरदस्ती लोगों ने डाले, लेकिन मैंने ये देखा कि उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हुए बकरों में जी। तो क्या रीजन होता है जो हम नई बकरे लेते हैं उसके बाद में? क्योंकि बकरे जो आते हैं ना, जो नए ये जो बकरी अभी जो इस टाइम चल रही है, ये बीमारियों का घर रहता है। बारिश होती है, ये होती है, मक्खियां रहती है, सब रहती है। और जैसे जैसे नए बकरे आएंगे ना, ये बकरे भी बाहर से कोई हमसे लिया, वो चलो सेट बकरे। अब वो डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि एक बकरा देखो दो साल तक डेढ़ साल तक एक साथ 25-50 बकरे एक बारे में पल रहे, एक दोस्ती हो गई उससे। अब उसमें से क्या हुआ, 20 बकरे कुर्बानी को चले गए, 5 बकरे बचे। अब वो 5 बकरे वो 20 के गम में डिस्टर्ब है। अब वो बाड़े में दूसरे बकरे आ रहे, वो भी कहीं से आए हुए, तो इनको सेट करना, दूसरा बीमारी आना, ये सब आना, ये आम बात है। तो इनको सेट करना जो होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक बार सेट हो जाते बकरे, फिर उसके अंदर अगर किसी एक बकरे को डालते हैं तो बहुत नुकसान। जिस तरह एक एरिया होता है ना, जैसा भी हम घर में एक रहते हैं फैमिली मेंबर्स, तो हम घर में कितने भी रह रहे हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर कोई एक आदमी भी आ जाता है ना, तो 2-3 दिन बाद हमको थोड़ा बोझ लगने लगता है। तो इसी बकरों का भी मसला है, नए बकरों को पसंद नहीं करते। और फिर किसी का भी बकरा हम सेहतमंद बकरा ले, बकरा डाले, और खुदा ना खास्ता किसी ने मार दिया, डैमेज कर दिया, कुछ कर दिया, मुझको क्या मिल रहा है? 5-6 महीना पहले लिया, 3,000 रुपया मैं कमा लूंगा, लेकिन 3,000 रुपए के लिए अगले की 40,000-50,000 की चीज दाव पे लगा दूंगा मैं, तो ये मुनासिब ही नहीं। मेरे को तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं लेता। ओके ठीक है। एंड इसके अलावा जब लोग आपके पास बकरा रखते हैं तो क्यों उनको यहाँ बकरा रखना चाहिए? जैसे बहुत सारे फार्म्स हैं, तो आपकी भी कुछ तो स्पेशलिटी होगी जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। देखो सबसे पहले ऐसा है ना इसमें कि मैं बकरा रखता ना साफ सुथरी बात करता, हमारे पास खिलाई का टोटल कॉन्सेप्ट है। मैं जो खिलाता हूँ यकीन मानो, मैं सिर्फ इस साल से मैं सिर्फ हरी पत्ती दे रहा हूँ बकरों को और अनाज दे रहा हूँ, तुअर का भूसा, फलगटी, फिर वो आजकल वो सोयाबीन का भूसा ना, ये भूसा, एक भी ऊसा भूसा टाइम पास वाली मैं कोई चीज बकरों को नहीं देता हूँ जी। सुबह भी पत्ती देता हूँ, दोपहर में भी पत्ती देता हूँ, शाम में भी पत्ती, तीनों टाइम पत्ती है और उसके साथ में अनाज है। हैवी बकरे में आपको दिखाऊंगा मेरे जो है उनको हम दो टाइम अनाज देते हैं, दो टाइम सुबह भी देते हैं गीला अनाज देते हैं, शाम में सूखा देते हैं, टोटल वो डाइट है, तो उसके हिसाब से हम देते हैं। और सबसे मेन ये कि हम क्या खिला रहे क्या, देखो एक आदमी का ट्रस्ट होता है। मिसाल के तौर पर अभी अगर मैंने आपको फोन किया खुदा ना खास्ता कि भाई बकरा मर गया, आसिम भाई आपका बकरा मर गया, आप शौक हो गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं अल्लाह की तरफ से ये है, लेकिन एक दिल में आता है ना भाई बकरा बीमार हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम डे बाय डे बकरे की पूरी रिपोर्ट पार्टी को देते हैं। दूसरा खुदा ना खास्ता कभी बकरा मरा तो हम अपने कैमरे से लॉग इन करते हैं, हमारे पास जो कैमरे हैं 2 महीना पहले तक के जी। वो रिकॉर्ड चेक कर सकता है, सही है। अंधेरे में कोई तीर नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूं, एक होता है ना अकीदत कि अबू बकर भाई ने बोले सच्चे आदमी है, जो बोले सुन लो मान लो, भाई वो मत मानो, आप खुद देखो कैमरे के अंदर देखो, हम लॉग इन कर देते हैं, हम जो उनसे बात करते हैं भाई ये हम देंगे। आप दुबई में रहो, सऊदी में रहो, बंगाल में रहो, या हमारे पास इतनी पार्टियों के बकरे, बंबई में रहो, कहीं भी रहो, आप 24 घंटा जब चाहे अपने बकरे को देखो, अगर हम बता रहे बीमार है उसकी बीमारी में देखो, और मर गया है तो क्यों मरा है, क्या डैमेज हुआ है, वो सारी चीजें आप देख लो। हम एकदम ट्रांसपेरेंसी, यानी ऐसा है कि आप घर बैठे हो लेकिन आप जब चाहे अपने बकरों को देख सकते हो। मैंने एक बात नोटिस की, आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी है और ये जो रेवोल्यूशन है कि कैमरे का डायरेक्ट लॉग इन कस्टमर को देना, आई थिंक ये आपने स्टार्ट किया था मुंबई में जी, है ना? मैंने स्टार्ट किया और भी सबको देना चाहिए, क्योंकि देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि रोजी अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है बराबर, लेकिन एक आदमी 50,000 रुपए का, 20,000 का, 10,000 का या 5,000 का बकरा या कोई भी लाके दे रहा है तो तुम पे कितना फेथ करके तुम्हारे को अपना पैसा दे रहा है। आज किसी से अगर 2-5 हजार मांगने का कोई देता है क्या? लेकिन आदमी का ये तो देखो कि तुम पे फेथ कर रहा है, तुम्हारे पास बकरा देख रहा है, तो वो फेथ को और बढ़ना चाहिए।
अगर खुदा ना खास्ता तुमसे कोई गलती होती है तो वो चेक करे ना कि भाई वाकई ये हादसा हुआ, क्योंकि देखो ये बकरे का काम है, आज बकरे सही है सुबह हो जाए, सुबह मर जाए, कौन गारंटी लेता है इसका, है ना। लेकिन कम से कम अगला तो देखे कि भाई देखो इन्होंने मेहनत की जी। हाँ, बास दफा ये नहीं हुआ कि मैं फोन करके बोल दूं भाई बकरा तुम्हारा एकदम सही था, अचानक गिर गया मर गया। अरे ये क्या बात हुई गिर गया मर गया, कितने लोग मेरे पास ऐसे आए कि मैं बोले यार फार्म पे बकरा था, फोन आया बोले यार गिर गया मर गया। मैंने कहा भाई देखो पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं क्यों बोलूं किसी को, सही बात। लेकिन हमारे पास कोई बकरा है भाई सडनली भी मरा, आप कैमरे में देखो बराबर, और अगर बीमार भी हुआ तो हमने इलाज किया कि नहीं किया, आप इसी भरोसे पे तो दियो कि भाई खिलाना मेन नहीं है, सातों सात ये है कि बकरा बीमार पड़ेगा उसकी दवा दारू भी करोगे जी। ये सारी चीजों का हम पैसा ले रहे हैं ना उससे, हम उसको काउंट करके लेते उतना पैसा जी। तो वो सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी में। अब बकरा मरा, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल में आदमी कब जाता है, बीमार हुआ तो जाता है, जरूरी नहीं जिंदा आएगा, लेकिन एक कोशिश तो होती है ना, तो हमारी तरफ से भी एक कोशिश होती है कि भाई बकरा बच जाए। अब उसके बाद भी नहीं बचा जी, तो फिर वो तो भाई अल्लाह के हाथ में, अगला भी सेटिस्फाई होगा। पर मैं इस पे एक दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब आदमी आपके पास बकरा रखता है, अगर बकरे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि आपने भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया रमज़ान ईद के बाद में, जो बकरा ईद तक का टाइम होता है उससे आपसे कोई अगर बकरे खरीदता है तो वो बकरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपने ली थी, तो जो नॉर्मल पलाई के बकरे होते हैं क्या उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो? नहीं देखो ये दो अलग अलग बात है, रमजान बाद जो होता है बकरा ईद के लिए जो होता है ना, देखो एक सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम के अंदर जिसके पास अल्लाह ने माल दिया है उसके ऊपर कुर्बानी फर्ज है जी, लेकिन उसको बकरे का शौक नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करना है, सही है। अब वो आदमी बकरा ले रहा है उसको कोई मतलब नहीं, बकरा खरीदेगा कुर्बानी कर देगा, फिर अगली ईद के बाद फिर होश में आएगा कि मेरे को अल्लाह का हुक्म आ रहा है ये साल फिर करना है, बराबर, इनको शौक नहीं है। अब ऐसे लोगों को उनके अंदर भरोसा जगाना कि भाई तुम कहीं पे बकरा ले रहे हो और वहीं पे, क्योंकि लोगों को अक्सर ये पता है देवनार ये सब कि भाई बकरा लो पैसा दो बकरा ले जाओ, छोड़ना नहीं है, ना व्यापारी रुपया छोड़ेगा ना तुम उसके पास बकरा छोड़ोगे, ये मामला चल रहा था। अब फार्म पे आदमी लेगा छोड़ना तो ये भरोसे की बात होती, तो इस भरोसे को रखने के लिए हम ऑन कैमरा बोलते कि जो ऐसे नए लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं एक फार्म पे आओ बकरा खरीदो और खुदा ना खास्ता बकरा मर गया तो हम पैसा आपको रिफंड कर देंगे आपका, चाहे आप हमसे दोबारा दूसरा ले लो या कहीं और से ले लो। तो ऐसे लोगों के लिए कि जो माल अल्लाह ने दिया कुर्बानी करने का जज्बा है, तो ऐसे लोगों को हम अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। क्यों? हम ये बिलीव करते हैं कि नुकसान और नफे का मालिक अल्लाह है, अल्लाह का फसल है। ऐसा करने के बाद से आज तक मैं तकरीबन छठा साल होगा, अल्लाह का फसल है, एक बकरा मेरा बेचने के बाद मरा नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये एक तरीके का रेवोल्यूशन है सर, कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, और आई थिंक ये आप तीन दो साल से कर रहे हैं, तीन साल नहीं से? ये मेरा फार्म तो चौथा साल है, बाकी मैं नहीं, दो तीन साल वो जो ये नहीं, जो पहले से जब से बेच रहा अच्छा, हूं तब से मेरा उसूल ये फर्स्ट ईयर से आपका कि भाई आप बकरा ले लो, डिलीवरी से पहले मर गया तो ये मेरा। हाँ एक बार देखो आदमी जब कोई नियत अच्छी करता है ना तो बाज दफा अल्लाह आजमाता भी जी। एक बकरा मेरा मरा, अभी मेरे को याद आया, एक बकरा मेरा मरा और वो बकरा मैंने बेचा था 1,10,000 रुपए में, कितने बेचा था, सबसे महंगा मेरी लाइफ 1,10,000 रुपीज, और वही बकरा मरा ओहो। और उसी का पैसा मैंने लौटाया कि मैं ले लूं पैसा, जबान जबान होती है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। वो एक बकरा मरा होता, और अल्लाह ने 10-20 हज़ार का बकरा भी नहीं आजमाया कि भाई आजमाने के लिए आदमी अल्लाह देता ना भाई 1,10,000 का, ये भी नहीं भाई सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं भाई आपकी रकम आप ले जाओ, वो भी यानी बेचारा लेके चला गया, पैसा उसको दे दिए। और दूसरा जो आपका सवाल था क्या था कि हाँ, अभी नॉर्मल पलाई का बकरे को हो गया ये कौन से, सही है। दूसरा आप जो साल भर पला रहे हो ना ये आप सुन्नत इब्राहिम कर रहे हो, है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सुन्नत कर रहे हो कि भाई मैं अल्लाह के रास्ते में बकरा पालू और इसको कुर्बानी करूं जी। तो आपके पास जगह नहीं है, देखो मोस्टली तो मुंबई में बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं कि वो खुद अपने घर में पालते हैं, अपने कारखाने में पालते हैं, अपने दुकान में पालते हैं, अक्सर पालते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि बॉम्बे में यानी जगह नहीं होने की वजह से शौक है तो शौक को पूरा करने के लिए फार्म पे डालते हैं, बराबर। तो उनके पास भी अगर बकरा पलता है तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है उसका कोई गारंटी नहीं। इसी तरीके से ये साल भर शौक रखते हैं, बकरा बने नहीं बने ये सब चीज को समझते हैं, जो साल में एक बार आता है ना कस्टमर वो नहीं समझता है, लेकिन जो पालने वाले समझते हैं, तो उसके लिए हम उस पर कोई गारंटी नहीं। हम तो यही बोलेंगे भाई आप मत खरीदो,
आप हमारे पास पलाई पे मत रखो अगर कोई ऐसा हो, क्योंकि देखो बकरा पाला हुआ हमेशा टाइम पे आप खरीदोगे उससे महंगा पड़ता है पाला हुआ बकरा। सही बात है, एक बात समझ लो, सबसे मेन चीज ये है कि आपको महंगा पड़ता है। ये मत आप धोखे में रहे कि भाई मेरे पास बहुत से लोगों ने फोन किया कि मैं पैसा आपको लगाता चाहता हूँ, मैं 10 बकरा आपसे लूंगा, आपके पास ही रखूंगा, बकरा इसमें बेच देना। मैंने कहा भाई लाख रुपया चला जाएगा, समझ लेना, क्योंकि मैं कमाऊंगा फिर आप बोलो उसमें से तुम भी कमाओ, इतना नफा होगा तो हर कोई ये करे। सही बात, आप करना भी नहीं, मेरी राय है। तो पाला हुआ बकरा सबसे पहले महंगा पड़ता है। दूसरा, साल भर तक रिस्क रहता है, बकरा मर जाए, बकरा नहीं बने, बकरा बीमार हो जाए, बकरा कुछ भी बीमारियों से घिरा हो, ये दूसरा सबसे पहले। तीसरा कि भाई यानी ये दो चीज का रिस्क रहता है। सही बात, इसमें तुमको बेनिफिट क्या है कि एक आदमी 30,000 रुपए में बकरा लाया, वही वजन का बकरा तुम 50,000 में लाए, लेकिन आखिरत में अल्लाह वो 30,000 वाले को और 50,000 वाले को दोनों को अलग करेगा। 30,000 वाले को उसके हिसाब से पैसा सवाब देगा, 50,000 वाले को उसके हिसाब से पैसा। असल तो ये कि बकरों के साथ अपनी एक फीलिंग हो जाए, फीलिंग। हमारे बुजुर्ग जिससे हम बैठे ना अजय गुना साहब, वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई लोग ये कहते हैं कि भाई बकरा महंगा हो गया, बकरा महंगा हो गया। भाई महंगा नहीं हुआ, ये सोचो कि क्या इस्माइल अलैहि सलाम से भी महंगा ज्यादा हो गया। लोग अपनी नियत को खराब मत करो, महंगा सस्ता, हम जो पैसे लगा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं, जो उसका अजर है अल्लाह से आगे लेना है। तो ये चीज की हम कोई गारंटी नहीं लेते, आपको जमता हो तो आप पालो, बकरा मर भी जाएगा अल्लाह के यहाँ उसका अजर लिखा जाएगा, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं। हाँ, दूसरा, अगर बकरा कभी डैमेज भी हो गया, कोई बकरा मार दिया, कोई कुछ कर दिया, उसकी भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर दवा पानी वो सब तो आप ही करेंगे, दवा पानी करेंगे। मैं बकरे की आंख टूट गई, बकरे की टांग टूट गई, बकरे की सींग टूट गई, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है हमारे यहाँ पे कोई। हाँ, हम मेहनत कर रहे, अब खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए, आदमी गाड़ी में चल रहा है, अब लाखों गाड़ी चलती है, रोज गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, तो क्या आदमी गाड़ी में चलना बंद करता है ना? सही। तो ये भी रिस्क है, होते नहीं है, लेकिन ये चीज भी होते है। पालने वाले ये दिमाग में प्रैक्टिकल रखे कि मेरा बकरा मर नहीं सकता है, मेरा बकरा डैमेज भी हो सकता है, हकीकत ऐसी पोजीशन पे भी आ जाएगा कि कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती है जी। तो उसपे फार्म वाला 5,000 रुपया महीने साल का पूरा कमा रहा है, अब तुम्हारे लाख रुपए की बकरे की लाइबिलिटी तो नहीं लेगा, है ना? और अगर कोई लाइबिलिटी लेता है तो आप उसको दे दो भाई, बेहतर है, उससे अच्छा और आपको क्या चाहिए, है ना? अगर कोई गारंटी लेता है तो, है ना? हम तो कोई गारंटी नहीं लेते, ना मरने की गारंटी ले रहे हैं, ना टांग टूटे। ऐसा भी होता है बार दफा कि भाई बकरा ऐसा डैमेज हो जाएगा कि कुर्बानी के लायक ही नहीं रहेगा। हाँ, तो वो आप सत्ता करो, कुछ भी करो, आपकी चीज है। मैं नौकर आदमी हूँ, मैं केयर टेकिंग कर रहा हूँ, मैं आपके जानवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, कोई मैं तो नहीं ले सकता, बाकी दूसरा कोई ले तो अच्छी बात है। सही भाई, बकरे जो भी रखता है पलाई पे, या मैं अगर घर पे पालूं, तो आदमी के दिमाग में वेट गेन सबसे ऊपर रहता है, तो क्या वेट गेन की गारंटी आप लेते हैं अपने फार्म पे, या तो आपका सोचना क्या है वेट गेन के मसले पे? देखो, वेट गेन है ना एक अलग इशू। सबसे पहले तो ये चीज होती है ना कि जाहिरी कोशिश जी, एक कोशिश क्या होती है कि भाई ये बकरा अच्छे से अच्छा हम ले जी, ये बकरा हाइट लेने वाला हो, खाने पीने में मजबूत हो, पांव का मजबूत हो, वजन ये खूब लेगा, बराबर, तो ये बकरा जो है आगे ग्रोथ करेगा जी। अब ये जाहिरी हमने कोशिश कर ली जी, वेट जो है ना, मैं बोलता हूँ मेरे हाथ में 10 ग्राम भी वजन, 1 ग्राम भी मेरे हाथ में बढ़ाना है नहीं जी, मेरे हाथ में वजन ये अल्लाह के हाथ में जी। हम कोशिश के एतबार से करेंगे, जो बकरों को लगता है वो चीज खिलाएंगे जी, बराबर। ये चीज को बोलना, अल्लाह माफ करे, नौजो, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हो जाता है खुदा, यानी जो चीज खुदा के इख्तियार में है उस चीज की हम गारंटी ले रहे, मेरे फार्म पे इतना होगा, मेरे फार्म पे इतना बढ़ेगा। अरे या अल्लाह, कितनी बड़ी बात कर दिया उसने कि मेरे फार्म पे इतना। मैं जाहिरी कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा देने वाला अल्लाह है। हाँ, कितने फार्म पे, यानी मेरे फार्म पे मैं बताता हूँ भाई, बकरा कोई बकरा ऐसा है कि 10 किलो गेन किया मेरे फार्म, मेरे खुद का बकरा जी 10 किलो गेन किया मैंने पाला साल भर, एक साल 90 किलो का बकरा था 100 किलो भी गया, एक बकरा था 90 किलो का पाला था 130 किलो पे चला गया। तो ये जो डिफरेंस है ये तो अल्लाह के हाथ में, मैं 130 वाला दिखाऊं 100 किलो वाला छुपा दूं तो ये कोई मतलब नहीं, ग्राहक को अट्रैक्ट करना। भाई देखो, वेट की कोई भी गारंटी नहीं है, और ना तुम वेट की गारंटी लेके कहीं बकरा दो, सिर्फ ये देखो भाई मेरा बकरा है इसको खिलाओ, अल्लाह का फजल है। ये वीडियो आने के बाद, पहले भी पिछले साल आया था वेट की, मैंने गारंटी नहीं लिया, अल्लाह का फजल है, उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहा कि अबू बकर भाई सिर्फ बकरा मेरा पालो, 1 किलो बकरा नहीं बढ़ेगा ना मैं आपको ब्लेम नहीं दूंगा, सिर्फ मेरा बकरा पालो बस,
जी हाँ, तो हम वैसे ही कि देखो जो चीज मेरे इख्तियार में नहीं है ना, मैं उसकी ना बोल सकता हूँ ना कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी क्या बहुत से लोग हैं, मैं उसको समझाता भी हूँ, लेकिन हर चीज को लेने से पहले, अब वो अगर भाई आपके हिसाब से कितना वेट जाएगा, अरे भाई नहीं मैं बता सकता कितना जाएगा, मेहनत बोलो कि करो अच्छे से, और तुम जी कैमरे में देखो मेहनत में कोई कमी हो रही हो क्या हो रही हो, तो उस पर हमको राय दो मशवरा दो, तुम्हारी बात पे अमल नहीं हो रहा हो तो फिर उसका जो हमसे मैंने सवाल पूछताछ करो, भाई मैंने आपसे कहा था आपने क्यों नहीं किया, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, है ना। लेकिन वेट की गारंटी हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो बना दे अल्लाह बना दे। जी हाँ सही कहा आपने। और इससे रिलेटेड मैं एक और पूछूंगा कि पेमेंट पॉलिसी कैसे होती है आपकी? हर महीने की पलाई देनी होती है या साथ में देनी होती है? प्लीज़ इसके बारे में बताएं। भाई, मैं इस साल तो ऐसा था कि भाई लोगों से ये कहा था कि भाई मेरे को पार्ट पेमेंट में इकट्ठा पेमेंट दे दो, मंथली पेमेंट देने वाले भी हैं ये हैं, लेकिन पेमेंट को लेके थोड़ा कुछ यानी मुझे तकलीफ हुई, यानी पार्टियों ने एक आध लोगों ने आगे पीछे किया, क्या अभी क्या ठीक है चलो चलता है ये, लेकिन जो हुआ आदमी ठोकर लगता उससे सीखता है। जी अब हमारी पेमेंट पॉलिसी ये रहेगी कि भाई या तो आप तीन तीन चार चार महीने के हमको एडवांस दे दो, या तो हर महीने की हम एडवांस पेमेंट लेंगे, हर महीने की एडवांस लेंगे, क्योंकि हम फोन करें ये करें, आज मेरे पास यहाँ पे लेके आज मुंबई और राजस्थान में लेके तकरीबन इतने बकरे हैं कि मेरे पास रोज का 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। जी पच्चीस अब मैं 25 से 30 हज़ार रुपये समझो 9 लाख रुपये मेरा खर्चा आता है महीने का, मैं कहाँ से क्रिएट करूँ? ये पार्टियां पैसा नहीं देंगी तो यही सब तो सहारा रहता है ना, तो जी इसके लिए लोग को समझना चाहिए, पेमेंट देना चाहिए। लेकिन अब वो इसके लिए तो हमने यही सोचा है कि भाई मंथली हम ले लिया करेंगे एडवांस, एडवांस लेंगे। हाँ कोई भी हमसे टर्म्स कंडीशन होगा हम एडवांस लेंगे, चाहे 3 महीने का दो चाहे 1 महीने का दो, पूरे साल भर का भी कोई देता है तो जो भी नॉमिनल होगा हम उसको डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत करेंगे, देखेंगे कितना हम कर जी सकते हैं, क्योंकि हमारी मार्जिन भी नफे की कम है। हाँ जो हिसाब से हम खिलाते हैं ना उसके हिसाब से कम है, क्योंकि हम पत्ती और अनाज पे रखे बकरे को। अब ये जान लो एकदम नेचुरल बताता हूँ, मैं सिर्फ अपने बकरों को, आप लोग दुआ करना भाई बड़ा ही बात नहीं, तकबर से अल्लाह बचाए, जी करने वाली बेशक जात अल्लाह की है, बेशक मैं सिर्फ बकरों को ये साल पीपीआर लगाया, मैं कोई वैक्सीन नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने डीवॉर्मिंग किया है, ना मैंने पीपीआर किया एफएमडी किया है, ना गोट पॉक्स किया है, ना ईटी किया है, कोई वैक्सीन, सिर्फ मैंने पीपीआर बकरों को लगाया है, और ना मैं कोई एक भी कैल्शियम वेल्शियम कुछ भी लीवर टॉनिक दे रहा हूँ, नेचुरल चीज देता हूँ बकरों को, और नेचुरल एक चीज मैंने बनाया अपना, लेकिन उसको मैं वो अंडर समझो ना एक रिसर्च में, मेरे जी बकरों के ऊपर रिसर्च में, वो एक बार अच्छे से अगर उसको रिजल्ट मेरे को मिलता है मैं सेटिस्फाई होऊंगा तो वो मैं लोगों को इंशाल्लाह उसको अपन रिकमेंड करेंगे, खुद बनाएंगे अपने नाम पे, सिल्वर एग्रो के नाम पे बनाएंगे, और इंशाल्लाह उस दवा को यानी वो एक मसाला है एक ऐसी चीज है कि उसको हम बेचेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह वो चीज अपने अंडर प्रोसेस में है, और माशाल्लाह अपने को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, मैंने कोई चीज बकरों को नहीं दिया, और बकरों में आप देख लो शाइनिंग भी है, बहुत और मैं अच्छा आपको हैवी बकरे भी मेरे बताऊंगा, आप खुद देखना कितने हैं, इंशाल्लाह जरूर माशाल्लाह देखें देखना जरूर। और इसके अलावा एक शायद आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आजकल हम लोग बाकी सब जगहों पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज और एक दूसरे की टांग खींचना ये सब थोड़ा चलता रहता है चारों तरफ, दीनी एतबार से अगर आप बताएंगे कि बकरे के लाइन में ये सब ज़्यादा बढ़ते जाने से आगे चल के क्या हो सकता है, या इसके और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते पूरी सोसाइटी पे? देखो ये आसिम भाई, ये सवाल मैं तो आपको एक सिंपल बताऊंगा, जी ये काम जो है ना सुन्नत है, जी और ये ऐसा सुन्नत है कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि सारे वसल्लम नबियों के पास, तो सारे नबियों से ये बकरियों का काम करा है, जी यानी बकरियां एक आता है ना कि हदीस में है जिसमें खुलासा है इसका मफहूम है कि जो घोड़ा पालेगा ना उसके अंदर तकब्बुर यानी बड़ाई बड़ाई आएगी, जी और जो बकरियां पालेगा उसके अंदर नरमी आएगी, नरमी आएगी, तो इसके लिए नबियों के अंदर नरमी रहे अल्लाह ने ये सुन्नत को जिंदा हर नबी से करा है, ये इसमें बरकत बहुत है, इसमें हम ईमानदारी से करते रहेंगे ना अल्लाह इसकी बरकतें दिखाएगा, क्योंकि देखो मेहनत तुम कितनी भी कर लो जी लेकिन रिजल्ट देने वाला अल्लाह है, अल्लाह बेशक। हाँ तुम 200 किलो पे बकरा पहुंचा तो बकरा मर जाए क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो जीरो हो गया जी, तो बकरा तुम कितना भी नफा देने वाली जात अल्लाह की है, बेशक। तो इसके लिए जितना भी है ना ये एक चीज आदमी माइंड बना के चले कि मैं सुन्नत के एतबार से करूंगा तो इसमें नफा होगा, आदमी को साफ सुथरी बात करो, और जो मैं बोलूं कि मैं खिलाता हूँ कितना खिलाता हूँ कैसा खिलाता हूँ साफ बात करें, जी मैं इतना खिलाता हूँ मैं इतना लूंगा मेरा इतना नफा है, आपको परवड़े रखो नहीं परवड़े कोई बात नहीं मत रखो क्या फर्क पड़ता है, सही बात, ये एक चीज रखे। दूसरा
जो ये जितना भी है ना, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भाई देखो हमारे शेख जी से बैठ है ना, हम लोग आदर जी मौला साहब साहब, तो उनके पास एक आदमी है, मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह का वाकया बता देते जी, कि उनके पास एक आदमी है उनके साथी की शिकायत लेके जी, कि भाई आपका जो हजरत आपने जो साथी वहां पे आदमी रखे हो काम का, वो आदमी जो है वो इन्हें उसकी शिकायतें लगा रहे कि वो ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो उन्होंने इग्नोर किया एक बार दो बार, तीसरी बार जब उसने शिकायत किया ना, तो उसने उन्होंने क्या कहा, देखो ये समझने वाली बात है, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो मैं बुरा हूं इसलिए मेरा साथी बुरा है, अगर मेरे अंदर बुराई नहीं होती ना तो मेरे साथी में बुराई नहीं होती, तो मेरे साथी को छोड़ दो, मेरे लिए तुम इस्तगफार करो और मेरे साथी को मेरे हाल पे छोड़ दो, उसकी बुराई मत करो। तो आज ये सोच लेना आदमी कि मैं बुरा हूं इसलिए मेरा फार्म वाला मेरा भाई बुरा हो गया, तो मैं अपने ऊपर लेता हूं कि भाई मैं बुरा हूं इसलिए मेरे दूसरे भी जो भाई जो ये सब में पड़े हुए ना, वो भी इन्हें समझो गलती पे आ गए, तो आप मेरे लिए इस्तगफार करो, अल्लाह उनको भी सही पे देते, बाकी इन्हें ये कुछ भी नहीं की, ये ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि देखो टिट फॉर टैट है जी, तो इसके लिए भाई इससे बचना है बेशक। हाँ बस, बाकी ये तुम्हारा काम है ना, एक बार समझ लेना, YouTube पे जो वीडियो आते हैं ना, ये तुमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जी, कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ज्यादा लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, तो आपने उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जी। अब उस प्लेटफॉर्म पे आदमी जो है ना तरक्की करेगा, व्यवहार से, तुम्हारे मामला से, तुम्हारे काम से, तुम्हारा काम तुम्हारा नाम बनाएगा। तुम ये सोचो कि मैं दूसरे की गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ू, ये कभी नहीं होगा जी, ये तुम एकदम से गिरोगे ऐसा, तो इसके लिए भाई ये सबसे बचना है, अल्लाह बचाए, सब दुआ करते हैं सबके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबूबकर भाई, आपने खुल के हर सवाल का जवाब दिया एंड काफ़ी अच्छे से आपने हर बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।